हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। आज हम बात कर रहे हैं मेजबान रेस्टोरेंट जो गुलबर्गा शहर को एक नया जायका और नया टेस्ट देते हुए नजर आ रही है। उन्होंने अपने 3 साल कामयाबी की कंप्लीट किए हैं। मेजबान रेस्टोरेंट ने अपनी 30वीं एनिवर्सरी बहुत ही यूनिक तरीके से सेलिब्रेट की। जहां मेजबान रेस्टोरेंट पिछले 2 साल से क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहा था, इस बार उन्होंने आगे चलते हुए एक ब्लड डोनेशन कैंप किया और गरीबों में यहां पर कपड़ों को भी तकसीम किया गया और ये इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा। जनाब गौसपा साहब और सदान साहब की कोशिशें काफी अच्छी रही जो मेजबान रेस्टोरेंट को इस लेवल पे लाई गई और एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। वक्त देने के लिए जनाब आलम प्रभु पाटिल साहब यहाँ पर मौजूद रहे और कई सारे लोग यहाँ पर लोकलाइट्स भी यहाँ पर मौजूद रहे, जहाँ पर गरीबों में कपड़ों को भी बांटा भी गया। साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी काफी सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे लोग आए और ब्लड डोनेशन भी किए और ये इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा। आइए देखते हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार गरीबों को और यहाँ के रहने वाले लोगों को, आम पब्लिक को, जो इमरजेंसी बोले तो ब्लड, क्या तो एक्सीडेंट हो गए तो क्या तो हो तो इमरजेंसी, दुनिया में अर्जेंट आदमी बचना है बोले तो ब्लड का ज़रूरत था, वो ब्लड कैंप आज हमारे ये मेजबान रेस्टोरेंट चालू होके 3 साल हुआ, टिप्पू चौक रिंग रोड पे, उसका 3 साल का कंप्लीट हो गए। हुई खुशी में ब्लड डोनेशन और कपड़ा देने का, और हमारा गौस पासे साहब का 39 इयर्स का कंप्लीट हो गए, उसका बर्थडे भी हो गए, ये मेजबान रेस्टोरेंट का 3 साल कंप्लीट भी हो गए। दोनों नाम के ऊपर आज गरीबों को ये कपड़ा बांटना और जनरल हॉस्पिटल को, अगर हॉस्पिटल में लोगों को कभी एक्सीडेंट होने के बाद ब्लड का ज़रूरत है उसका भी काम करना बोल के ब्लड डोनेशन कैंप दोनों काम कर रहे हैं। सब आप सब लोगों की तरफ से मैं आभारी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आगे आने वाले दिन में उसको ज़्यादा लंबे उम्र, अधिकार, संपत्ति सब दे के उसको भगवान अच्छा रहने दो। 100 साल ऐसी गरीबों का लोग काम करने दो, हम सबको उनका हेल्प होना, आप सबकी दुआ उनके ऊपर रहना। मैं सभी का शुक्र अदा करता हूं जो जिन्होंने हमें अभी तक साथ दिया है और उनसे आइंदा भी गुजारिश करता हूं कि वो आइंदा भी हमें साथ देते रहे। और ये नौजवान बच्चे हर कदम में हर जगह पे हमारे साथ लगे हुए रहते और हर जगह पे हमारे को साथ देते रहते। हाँ, हमें भी जो है ना इन्हों हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते, मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे भाई सद्दाम का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ जो ये प्रोग्राम अरेंज करे। अल्लाह हमारी मोहब्बत ऐसी बरकरार रखे, और ये भी मैं दुआ करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे मेज़बान के 3 साल जो कंप्लीट हुए हैं, हाँ आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छा जो है ना आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं रेस्टोरेंट को, और ऐसी रेस्टोरेंट को रेस्पॉन्स देते रहे, ऐसी रेस्पॉन्स हमारे रेस्टोरेंट को देते रहे और इसको और आगे लेकर जाएँ, ये आप लोगों से हम गुजारिश भी करते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक जायकेदार हम डिशेज बना रहे हैं और एक से एक हम साथियों को, हमारे आवाम को, हमारे गुलबर्गा वालों को, हर एक को अच्छे से अच्छी सेहत देने के लिए और अच्छे से अच्छे डिशेस भी हम बना रहे हैं। और आप सब जो आए हैं उनसे बार बार आने की भी हम गुजारिश करते, जो नहीं आए वो आकर फिर देखें हमारे पास का टच देखें, ये भी ये करते हैं। और हम इसी खुशी में जो है ना कि 3 साल, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमें बहुत दिल से सराहा है, इसीलिए हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है कि उम्मत की कुछ मदद हो जाए, कुछ खिदमत हो जाए। और हमने कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूशन जो गरीबों के लिए साड़ी है, कपड़े है, ड्रेसेस है, वो भी देने का हमने फैसला किया, क्योंकि हर बार हमारा आपको मालूम है कि हर सीज़न में हर साल हमारे पास कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते। 2 साल हमने क्रिकेट एक्टिविटीज़ किया था जो एक्टिविटीज़ के ताल्लुक से, स्पोर्ट के ताल्लुक से, ये बार हमारे भाई सद्दाम ने सोचा कि भाई हम ये बार गरीबों की मदद करेंगे, तो इसके खातिर हमने ये जो है ना ये स्टेप लिया कि हमने ब्लड डोनेशन कैंप और क्लॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग का हमने फैसला लेकर ये गरीबों को देने का इरादा किया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब में मोहब्बत बनाए रखे और इन गरीबों जो हैं उनकी भी दुआएं हमें लगते रहे, हर एक जो है ना सेहतमंद भी रहे और अल्लाह ताला ने मकान, रोजी रोटी, कपड़ों से भी नवाजे, हम ये भी दुआ करते हैं।
और सबके सारे साथियों का हम तहे दिल से जो है ना शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा साथ भी दिया। एक बार बुलाने पर सारे के सारे भी जमा हो गए और इनसे हम ऐसी मोहब्बत की उम्मीद करते आगे भी इन्हों हमारी मदद करें, हम इनकी और मदद करते रहें।